हाँ नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम ऑफ के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं बात करूँगा जो मैं आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर डेजी ठाकुर को जो हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का रहेगा और 2021 तक ही हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बनी रहेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको उनकी पिक दिखाता हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद रह जाएँ, आपके दिमाग में ये रच बस जाएँ। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, यही है डॉक्टर डेजी ठाकुर, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की नई अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है, इससे पहले कौन थी हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष? तो फ्रेंड्स, वह थी जैनब चंदेल। ठीक है, ये जो हिमाचल प्रदेश की पूर्व में महिला आयोग की अध्यक्ष थी। एक खास बात फ्रेंड्स, ये दोनों जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन से संबंध रखती है, यानी कि दोनों जो डिस्ट्रिक्ट सोलन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिभा जम्वाल, ये एकमात्र हिमाचली है जो कि INSV तारिणी, ठीक है, जो भी हाल ही में जो सुर्खियों में रहा है, जिन्होंने पूरा विश्व का चक्कर लगाया समुद्री मार्ग द्वारा, एक जलपोत है INSV तारिणी, इनके सदस्य हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्वाल। ठीक है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की रहने वाली हैं। ठीक है, अब मैं आपको उनकी पिक दिखाता हूँ फ्रेंड्स, यही है प्रतिभा जम्वाल। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्वाल फ्रेंड्स। इसके अलावा आप एक और ऑप्शन देख रहे हैं आप, सरवीन चौधरी फ्रेंड्स, ये जो है एकमात्र महिला मंत्री है प्रेजेंट टाइम हिमाचल प्रदेश की, जो कि शहरी विकास मंत्री हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की रहने वाली है। उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है शाहपुर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, केले के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला। ठीक है, विश्व में भारत का जो केले में उत्पादन करने का जो स्थान है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कुल मिलाकर जो है 29.1%, ठीक है, केले का उत्पादन भारत में होता है विश्व में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री कहाँ बनेगी? ऑप्शन है भारत में, दक्षिण कोरिया में, चीन में, जापान में। इसको जो राइट आंसर गाइस ऑप्शन ए, यानी कि भारत में कहाँ बनेगी? नोएडा सिटी में। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, किसकी सहायता से बनेगी? दक्षिण कोरिया के सहायता से बनेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स, जो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है वो सियोल है, चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग, जापान की कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो जो विश्व का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कारावास या जेल की सज़ा सुनवाई है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है गाइस ऑप्शन डी, यानी कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, उनको जो 10 साल की सज़ा हुई है, और उनकी जो बेटी है मरियम शरीफ, उनको भी जो 7 साल की सज़ा हुई है, जो मरियम शरीफ के जो पति हैं उनको भी 1 वर्ष की सज़ा हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में किसानों का कर्ज माफ़ करने का प्रावधान किया है? तो फ्रेंड्स, जो हमारे सामने ऑप्शन है वो है उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर बनता है गाइस ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक के जो जो भी हाल ही में जो भी मुख्यमंत्री बने हैं HD कुमार स्वामी, उन्होंने जब अपना पहला बजट पेश किया है 2018-19 के लिए। ठीक है, कुल मिलाकर उनका जो बजट रहा है फ्रेंड्स वो 2,13,734 का रहा है। ठीक है, बहुत ही बड़ा बड़ा बजट, और उन्होंने कुल मिलाकर जो है 34,000 करोड़ का जो है किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए अपना बजट पेश किया है। ठीक है, जिनको जो 2 लाख या 2 लाख से कम कर्ज है, ठीक है, उनका कर्ज माफ़ होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तर पर प्रथम भारतीय जिमनास्ट खिलाड़ी तुर्की में आयोजित वर्ल्ड चैलेंज कप में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, कौन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दीपा कर्माकर, एकमात्र महिला, या कहें तो ऑल ओवर महिला या मेंस, ठीक है, जिमनास्ट खिलाड़ी हैं भारत की, जिन्होंने भारत से बाहर जो विश्व स्तर पर जो है विश्व स्तर पर जो है गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, दीपा कर्माकर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अभी नहीं तो कभी नहीं अभियान चलाया जा रहा है? ठीक है, बहुत ही मोस्ट अभी सुर्खी में रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि थाईलैंड में चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है? चिरांग रांग
नामक स्थान पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स घटना ऐसी है कि कुल मिलाकर 13 सदस्य हैं उसमें, जिनमें कि फ्रेंड्स 12 उनमें फुटबॉलर खिलाड़ी हैं जो कि अंडर 16 के हैं, और एक उनका कोच है जो कि 25 वर्ष का है। वे जो है इस गुफा में फंसे हैं, ठीक है, गुफा है, गुफा में ये फंसे हैं और उनको बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। अब काफ़ी उनकी कंट्रीज हेल्प भी कर रही हैं। फ्रेंड्स ये बनता है आज के लिए आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कतरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और मैं इसका आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में अवश्य डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो थैंक यू गाइज, एंड हैव एन ऑसम फ्यूचर, एंड टेक केयर गाइज, थैंक यू।